वापस आने के लिए शुक्रिया। बहुत खुश हूँ तुझे यहाँ देख के। अच्छा अब यहीं पे रुक, तेरा मुंह मीठा करना है, मिश्री लेकर आती हूँ, यहीं पे रुक। भाई इनकी फैमिली को तो बेशर्मी पे किताब लिखनी चाहिए। नहीं भाई चोरी करता है और बहन, I mean, this is really gutsy. देखो तो मुंह उठा के घर पे वापस आ गई, बड़ी हिम्मत लगी होगी। नहीं not guts ना, तुम्हारा भाई इस घर में चोरी करता है और जेल जाता है और तुम उसी घर में जश्न मनाने के लिए आ जाते हो, that's superb. मेरे देश का लॉ कहता है कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता आप बेगुनहगार कहलाते हो, और जब तक मैं जानती हूँ आपके देश का भी लॉ यही है। संजू बेटा अपनी ज्वेलरी का ख्याल रखना प्लीज, तुम्हें तो पता ही है आसपास कैसे लोग आ गए हैं, भाई ने पैसे चुराए हैं, हो सकता है बहन ज्वेलरी चुरा ले, है तो एक ही कपड़े के कटे हुए ना। नैना ऐसी नहीं है, मैं नैना को अच्छी तरह जानती हूँ और नैना के भाई के बीच में काफी फर्क है, और जैसा कि नैना ने अभी आप सबको बताया, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता आप बेगुनाह कहलाते हैं, इसलिए बिना किसी वजह के किसी पर इल्जाम लगाना सही बात नहीं है। Excuse us. अब जल्दी से जाके तैयार हो जा, वैसे तो जश्न शुरू हो चुका है, और सुन तू मेरी प्यारी बहू है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहू इस सारे तामझाम में मेरी मदद करे। दादी बस ये मेरा आखिरी फैसला है, और अगर तू भी मेरे बारे में वैसा ही सोचती है ना जैसे मैं तेरे बारे में सोचती हूँ तो तू मेरे फैसले की कदर करेगी। दादी मैं ये सब अपने भाई को छुड़ाने के लिए और डिवोर्स पाने के लिए कर रही हूं। फिर से फोन कर रही है। मड़ी तेरी भाभी है ना? बहुत हॉट है यार। हेलो। हाँ मम्मा। मम्मा आप ठीक तो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी तुम्हें फोन किया, वो नैना का फोन ही नहीं मिल रहा है। मम्मा आप इतना खास रहे हो मुझे चिंता हो रही है। अगर बताइए ना आप नैना को फोन क्यों कर रहे थे? अगर ऐसा कुछ है तो मैं वहाँ आ जाऊँ? नहीं नहीं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मुझे वो ग्राइप वाटर की बॉटल नहीं मिल रही है, वो ही जानना था बस। अरे वो ग्राइप वाटर की बॉटल है ना आपका जो सोफा है उसका जो बगल का कैबिनेट है उसके फर्स्ट ड्रॉर में है। कैबिनेट ड्रॉर? अरे तुम्हें कैसे पता? वो मैं आज आया था तो मैंने नैना को रखते हुए देखा था। मम्मा आप अपना ख्याल रखना ओके? हाँ हाँ अच्छा थैंक यू बेटा।
कहाँ गए? शौरी, तूने नैना को देखा? नैना, वो रे। सॉरी सॉरी, वो गलती से। चाचू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या, जल्दी बोलो। चाचू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि क्या हम राजीव भैया को जेल से बाहर निकाल सकते हैं प्लीज। चाचू, मैं आपको उन्हें बचाने की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं जानता कि वो सही है या गलत। जो भी मैंने पहले देखा था, मैंने बस वही कहा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने गुनाह किया है या नहीं। अगर उन्होंने चोरी की है तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, पर वो सजा उनकी माँ क्यों सहे? इन सब में उनकी माँ बहुत बेकसूर है, लेकिन वो फिर भी तकलीफ में है। चाचू, आप तो जानते हैं कि मम्मा हार्ट पेशेंट है, फिर वो ये सारी तकलीफ क्यों सहे? और वो तो मेरी माँ जैसी है। चाचू, ये देखिए ना, ये मैंने पेटेंट तैयार किया है, हमारी कंपनी का, बहुत मेहनत से बनाया है। हमारी कंपनी की पॉलिसी है ना कि अगर कोई भी चोरी करे तो उसे कंपनी से निकाल दो, और अगर वो सारे पैसे लौटा दे तो उस पर कोर्ट केस नहीं होगा। तो ये पेटेंट की कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। आप चाहो तो ये रख लो। चाचू, प्लीज़ आप ये रख लो। हमारी कंपनी जो क्रिएट करती है उसके लिए सालों लगता है, ये दो दिन में इम्बर्स हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाया है, सोचा था दादी को गिफ्ट कर दूंगा। ये अगर मैं बेचने जाऊँगा तो इसके बहुत पैसे मिलेंगे मुझे, पर आप ये सारे पैसे रख लो, पर प्लीज़ माँ को बचा लो। You know, you are going mad. हमारी कंपनी में जब 500 वर्कर्स दिन रात मेहनत करके जब एक मशीन क्रिएट करते हैं ना, that's why मेहराज आर बेस्ट इन एवरीथिंग। यू नो, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने चोरी की है, और हमारी कंपनीज के क्या रूल हैं इसे याद दिलाने के लिए थैंक्स। उसने जितने भी पैसे चुराए थे उसमें से 10,000 यूरोज मिसिंग है। अगर वो पैसे तुम ला के जमा कर दो तो हम उस पर कोर्ट केस नहीं करेंगे, हाँ लेकिन नौकरी से निकालेंगे जरूर। So, go and get the money. चाचू, लेकिन मैं तो कंपनी से सैलरी भी नहीं लेता, मैं कहाँ से ये पैसे लेकर आऊंगा? और आप तो मेरे चाचा हो, तो listen. जब से दादी तुमको घर में लेके आई है ना, ये चाचा चाचा चाचू चाचू सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। सो स्टॉप दिस। मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहता हूँ क्योंकि तुम एक गरीब और एक अनाथ बच्चे हो। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ, तुम्हारी इस घर में कोई भी औकात नहीं है, और अगर दादी कुछ हो गया ना, उसके बाद हम भी तुम्हें टॉलरेट नहीं करेंगे, इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। You want to free that man? So go and get the money. चाचू, प्लीज अपने इस रद्दी पेपर को उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं इतने सारे लोगों के बीच में तुमको
गाली नहीं देना चाहता हूँ चाचू। सच में ये पेटेंट लीव चाचू। यू नो व्हाट, तुम कुछ भी करते हो लेकिन दुनिया वालों के लिए तुम हमेशा इनोसेंट ही रहोगे। वैसे राजीव को पकड़वाने में तुमने हमारी काफी मदद की, पर मैंने भाई मदद की कि नहीं, हाँ या ना? तो फिर ये नया राग क्यों अलाप रहे हो? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि राजीव गुनाहगार है, वो चोर है, तो उसको जेल में ही सड़ने दो। गुड लक। चल चल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।